एवरीवन, वेलकम बैक टू ईसीएलई लर्निंग इंस्टीट्यूट। एवरीबॉडी कैन लर्न इंग्लिश एंड यू कैन लर्न इंग्लिश। तो आज की क्लास में हम कुछ राइमिंग वर्ड्स पढ़ने वाले हैं जो आप डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं, अपनी इंग्लिश स्पीकिंग में यूज कर सकते हैं और कॉम्पिटिशन में भी आप यूज कर सकते हैं। तो आप क्लास को लास्ट तक जरूर देखिए, स्किप मत कीजिएगा। चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। फर्स्ट वर्ड क्या है? रैग टैग। क्या है? रैग एंड टैग। इसका मतलब होता है रबल एंड अनऑर्गेनाइज्ड, मतलब भीड़ भाड़ या असंगठित। अगर आप सेंटेंस बनाना चाहें तो बोल सकते हैं आसानी से कि देयर वॉज रैग एंड टैग इन द प्रोग्राम। लोग में भीड़ भाड़ थी, असंगठित लोग थे। नेक्स्ट है होच पोच। क्या है? होच पोच। या होच पोच, इसका मतलब होता है मेडली या फिर मिक्सचर, इसका मतलब मिश्रण भी बोल सकते हैं। तो बोल सकते हैं कि शक्कर और पानी का मिक्सचर हम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? हॉच एंड पॉज। देयर वॉज हॉच इन पॉज सुगर एंड सॉल्ट। ओके, नेक्स्ट क्या है? हर्ली एंड वर्ली। क्या है? हर्ली एंड वर्ली, इसका मतलब होता है टू मच या कंफ्यूजन, जो उलझन में हो या कंफ्यूज व्यक्ति है उसको हर्ली एंड वर्ली बोल सकते हैं। तो आर यू हर्ली एंड वर्ली? नो, या यू आर नॉट या हर्ली एंड वर्ली। नेक्स्ट है हॉस्टल एंड वॉस्टल। क्या है? हॉस्टल एंड वॉस्टल। या हॉस्टल एंड वॉस्टल, इसका मतलब होता है फन शो या क्राउडेडनेस। तो फन शो या क्राउडेडनेस के तौर पर हम यूज कर सकते हैं। हिंदी में बोले तो एक मीनिंग लिखा है हमने इसका, भीड़ या भाड़, क्राउडेडनेस का। फन एंड शो यू कैन यूज दिस इजिली, तो बोल सकते हैं देयर वॉज हॉस्टल एंड वॉस्टल देयर। यू कैन, आई डोंट वॉन्ट टू गो हॉस्टल एंड वॉस्टल। यस, बिल्कुल। नेक्स्ट है मम्बो एंड जम्बो। या मम्बो एंड जम्बो, इसका मतलब होता है सेंसलेस या मीनिंगलेस। जो सेंसलेस है, मीनिंगलेस है, व्यर्थ है, फालतू है, उसे हम बोलते हैं क्या? सेंसलेस। सेंसलेस? नो, आई एम नॉट सेंसलेस, यू आर मम्बो एंड जम्बो। ओके, नेक्स्ट क्या है? रॉली एंड पॉली। क्या है? रॉली एंड पॉली। या इसका मतलब होता है फैट एंड राउंडेड। फैट एंड राउंडेड, जो फैट व्यक्ति है और राउंडेड हो, लाइक जिसका पेट इट बड़ा हो, हैवी हो, या राउंडेड गोल पर्सन हो, फैट एंड राउंडेड बोल सकते हैं। तो बोल सकते हैं कि माय फ्रेंड इज रॉली एंड पॉली। सॉरी, नेक्स्ट क्या है? हवल एंड बबल। या हवल एंड बबल, या इसका मतलब होता है बबलिंग साउंड, मतलब बुदबुदाती आवाज। जैसे कि पानी बॉयल होता है तो उसमें क्या बुदबुदाती आवाज होती है। सब्जी बनाते हैं आप लोग, सब्जी बनाते हैं उससे आवाज आती है ना? या बुदबुदाती आवाज, बबलिंग साउंड्स। तो हम बोल सकते हैं कि देयर इज अ हवल एंड बबल इन द खैरी। नेक्स्ट है पाव एंड बाव। क्या है? पाव एंड बाव। या पाव बाव, इसका मतलब होता है टू कन्फर या टू कन्फ्रेंस, मतलब प्रदान करने के लिए, कन्फर करने के लिए बोल सकते हैं। क्या ऐसे पाव एंड वाव। नेक्स्ट है लाओ एंड ब्रो। या कॉमन या इंटेलेक्चुअल, जो व्यक्ति कॉमन है और इंटेलेक्चुअल नहीं है, तो आई एम अ लव एंड ब्रो बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हेल्टर एंड स्केल्टर। या हेल्टर स्केल्टर, इसका मतलब होता है कंफ्यूज। तो ये और आपने देखा होगा हॉली वॉली, इसका सेम होता है हेल्टर स्केल्टर। इसका मतलब होता है उलझन, जो व्यक्ति उलझन में हो। तो आर यू इन हेल्टर एंड स्केल्टर? या समटाइम्स। या समटाइम्स। नेक्स्ट है Razzle and dazzle. Yeah, इसका मतलब होता है frolic, मतलब उल्लास, किसी चीज़ को उल्लास हो, उसे हम बोल सकते हैं razzle and dazzle। जब खुशी की बात हो, कोई चीज़ आपको मिल जाए तो क्या हो जाते हैं? उल्लास पूर, बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में राइमिंग वर्ड के तौर पर? Razzle and dazzle। Occasionally there is razzle and dazzle in the marriage. Yeah, of course. Next है big and big. Yeah. Big and big. इसका मतलब होता है इम्पोर्टेंट पीपल, जो इम्पोर्टेंट पीपल, महत्वपूर्ण व्यक्ति है, उसे रिग एंड बिग बोल सकते हैं। आई एम इम्पोर्टेंट पीपल फॉर यू। या वी आर बिग इन रिग। या तो दोस्तों, आप सभी को अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बहुत ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सबके लिए टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।